नमस्कार रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ परम समाज सेवी राजवीर सिंह जी हैं, जो हमेशा बहुजन समाज के चिंतक हैं, बहुत बड़े और सेवक भी हैं और बहुजन समाज की आवाज़ को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ते बोलते हैं। राजवीर जी, आपका हमारे चैनल में पहले स्वागत है। राजवीर जी, दलित क्या होता है? दलित जो है वो दलित जाति से होता है, नाम से होता है, कर्म से होता है, वो हमें बताएं। और दलित का क्या मीनिंग होते हैं कि वो कभी आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या है दलित की रूपरेखा, वो बताएं। देखिए, जहाँ तक आज़ाद भारत की बात है, आज़ाद भारत में जो इन लोगों ने व्यवस्था बनाई है, जो इतने साल 70 साल या 60 साल या 55 साल कांग्रेस ने शासन कराया और 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन कराया, इन्होंने जो व्यवस्था बनाई है दलित की, वो इन्होंने बना दी है पैसे से, कि दलितों को दलितों के बीच में बांट दिया है, समाज को समाज के बीच में बांट दिया है, समाज को बांटे और इस तरीके की व्यवस्था बनाई है कि वो दलित दलित ना रह के और कुछ और हो गया है। उसका फायदा आरएसएस हमेशा से उठाते आई है। आरएसएस ने अभी भी 10 दिन पहले भी शायद मोहन भागवत जी का कोई बयान था, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण वाले और जो गैर आरक्षण वाले वो आपस में बैठ के बात करें, आप उनकी मीनिंग को समझें। ये धीरे धीरे करके और आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई भी संस्था है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, उसमें सबसे कम संख्या में अगर बहुजन समाज की लोग नौकरी में हैं, तो उसका कारण यही है कि ये लोग उनको आगे आने ही नहीं देना चाहते। ऐसे प्रोपोगेंडा बनाएंगे आपके बीच में कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब सिस्टम से बाहर हो गए। जहाँ तक समाज इकट्ठा नहीं होगा, जब तक समाज इस बात को नहीं समझेगा कि हम संगठित नहीं होंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आपने देखा है कि ये जितनी भी मनुवादी ताकतें कह लो या संविधान के खिलाफ काम करने वाली ताकतें कह लो, ये सब कमजोर हुई। तब तब ये कमजोर हुई है, तो उनको मालूम है कि अगर बहुजन समाज इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो हमारी जो ये मनुवादी व्यवस्था की जो बात है, जो जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा के और ये चुनाव के टाइम में वोट ले लेते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव आ रहा है तो इन्होंने रविदास मंदिर तोड़वाया। इनको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि 600 साल पुराना मंदिर है, अगर वो गुरु घर है, लोगों के आस्था का विषय है, तो आपकी भी आस्था का विषय होगा। अगर सबको वहाँ पे आशीर्वाद मिलता है, ठीक है, तो शायद आपको कुछ और भी मिलेगा इस बार मंदिर तोड़ने के बाद। बहुजन समाज की ताकत मजबूत हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों को, जैसे हिंदू मुस्लिम, जिनमें बहुजन समाज के SC ST OBC दलित पिछड़े आदिवासी और OBC समाज मुस्लिम समाज सभी इसमें आता है, तो उसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए ताकि देश में बहुजन समाज की आवाज मजबूत हो सके? बहुजन समाज की आवाज़ मजबूत होने के लिए मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, पिछले बहुत दिनों से आपने भी कई बार इस चीज़ को कवर करा कि मैं कहता हूँ कि सब संगठित होइए। आप संगठित होके और अगर एक मंच पे जब तक नहीं आएंगे, हमारा शोषण होता रहेगा, हमारा शोषण कभी नहीं रुकेगा। बहुजन समाज का शोषण कभी भी नहीं रुकेगा, मुस्लिम समाज का शोषण कभी नहीं रुकेगा, जब तक कि सब मिलकर और एक मंच पर नहीं आएंगे। जो ये छोटे छोटे संगठन बना के, छोटी छोटी पार्टियां बना के, और जितनी बार बहुजन समाज बटेगा उतना ही बहुजन समाज का नुकसान होगा, शोषण होता रहेगा हमारा। हम लोगों के शोषण के बारे में सिर्फ बातें करते रहेंगे, हमारा भला कभी नहीं हो सकता। अगर सच में हमें अपना भला करना है, हमें सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। मैं बार बार कहता आया हूँ कि एक बार सब लोग मिलकर और बहुजन समाज पार्टी के साथ आए, निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी आएगी, तो आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज का उत्थान बिल्कुल हुआ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।